नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अंकिता सिंह। खबर मध्य प्रदेश भिंड से है। फूड अधिकारी के द्वारा दो स्थानों पर की गई कार्यवाही। काफी मात्रा में मावा सहित छेना क्रीम को भी कराया गया जमी दोष नष्टीकरण। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के द्वारा मिलावटखोरों पर हल्ला बोल का असर भिंड में भी दिखाई दे रहा है। शहर में आज पुलिस फूड विभाग के अधिकारियों ने दो छेना फैक्ट्रियों पर सैंपल की कार्यवाही की है। अरविंद छेना भंडार, दूसरा मुनेश छेना भंडार, दोनों ही फैक्ट्री MGS कॉलेज स्वतंत्र नगर में संचालित पाई गई है। अरविंद छेना भंडार के संचालक मौका स्थल पर नहीं मिले। साथ ही एक युवक जो कि फैक्ट्री के कार्य में सहयोग करता था, उसके नाम से फूड विभाग में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। राम विहारी पिता हेवरन सिंह बघेल निवासी ग्राम कतरौल तहसील मैगाव जिला भिंड का रहने वाला है। दूसरा फैक्ट्री संचालक मुनेश छेना भंडार, मुनेश पिता भगवान सिंह बघेल निवासी ग्राम काशीपुर जिला भिंड का निवासी है। मुनेश की छेना फैक्ट्री से भी सैंपल लिए गए हैं। इस कार्यवाही में फूड विभाग के अधिकारी श्रीमती रीना बंसल, साथ ही भोपाल से चलित खाद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की टीम भी शामिल थी। पुलिस विभाग से शहर नगर निरीक्षण आनंद राय पुलिस दल बल के साथ मौजूद रहे। मौके पर मिला खाद्यान्न पदार्थ, शक्कर, खोवा, कलाकंद, पनीर, दूध की क्रीम, छेना आदि को हितैषी की मदद से जमीन में गहरा गड्ढा खुदवा कर नष्ट कराया गया। फूड विभाग की छापामार कार्यवाही से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील गोहद में भी एक दुकानदार ने फूड अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके बारे में सब पूछा गया तो फूड अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कार्य करने में ऐसे आरोप अक्सर लगते ही रहते हैं। हो सकता है मेरे ट्रांसफ़र भी यहाँ के मिलावट ठेकेदार करा सकते, लेकिन मैं अपने विश्वास के साथ जहाँ भी पदस्थ रहूँगी निष्पक्ष ईमानदारी के साथ कार्य करती रहूंगी। आज तक मिलावटखोरों के जनवरी से लेकर फरवरी तक 150 सैंपल प्रकरणों को बनाया जा चुका है। 47 प्रकरणों को न्यायालय में भी भेजा गया है, जिसमें कार्यवाही रासुका अधिनियम के तहत भी की गई है। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। छापामार क्या कुछ कार्रवाई की? ये दो जगह छापे दिए हैं। एक मुन्ने सिंह बघेल के जो फैक्ट्री है उसमें छापा दिया गया, और एक अरविंद छेने वाले की फैक्ट्री में छापा दिया गया। दोनों जगह पे छेना बना हुआ मिला है, जो गंदगी की हालत में मिला है और मिलावटी भी है। वहाँ पर कुछ अन्य पाउडर भी मिले हैं। जो छेना मिला है वो करीबन 300 ग्राम मिला है, तीन टिन घी भी बना हुआ मिला है, पनीर 50 किलो मिला है, और जो क्रीम है वो करीब 100 किलो की मिली है, और इसमें मावा भी बना हुआ मिला है 4 किलो। इस प्रकार की ये सब चीज़ें जो है नकली पदार्थ जो मिले हैं, इसमें बनाने में अरारोट वगैरह भी मिला है अन्य पदार्थ। सर, जो छेना पकड़ा गया बना हुआ है, ये लगभग कितना है? 300 के जी। 300। क्या कार्रवाई की जा रही है अब छेना वगैरह? फूड विभाग द्वारा जब्ती की कार्रवाई हो रही है, सैंपलिंग कार्रवाई की जा रही है, तत्पश्चात उनकी रिपोर्ट पर प्राप्त सप्लाई होता था। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ऑर्डर पर सप्लाई करते थे शादी समारोह वगैरह इत्यादि। अभी इनके रजिस्टर में गुजरात, दिल्ली, कई जगह के मिठाई वालों के नाम, पूरी चीज़ों की जाँच की जाएगी, पश्चात उनका आगे और खुला सकती है। कैसे संचालक यहाँ पाए गए कि नहीं पाए गए? संचालक मुख्य संचालक है वो तो नहीं मिले, लेकिन सहयोगी मिले। नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है? नष्ट कराने की कार्रवाई फूड ऑफिसर द्वारा की जा रही है। इसमें सबसे पहले राम बिहारी सिंह के यहाँ पर छेना 200 किलोग्राम लगभग छेना मिला हुआ है, और पनीर, मावा, शक्कर आदि पदार्थ मिले हैं, खाद्य पदार्थ। इनके सभी की सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग करने के उपरांत छेना में बहुत मक्खियाँ वगैरह गंदी है, तो उसको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात बाथरूम में छेना मिला है यहाँ पे, बाथरूम में छेना तो मिला, लेकिन बाथरूम यूज़ नहीं की जाती है ना, और इन पर गंदगी का भी प्रकरण बनाएंगे अपन। गंदगी बहुत है इनके यहाँ पर, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। छेने के जो सैंपल लिए गए हैं, क्या पहले भी कभी ऐसी कार्रवाई हुई है यहाँ? हाँ, एक बार कार्रवाई हुई है, सैंपल भी इनका फैला है पहले, और उन पर ADM न्यायालय में प्रकरण दायर भी कर दिया है, और पेनल्टी भी हो गई। तो उसके बाद भी फिर दोबारा से पुनः ये कार देखा गया है, तो ये कितने दूषित पाए जाते हैं? अभी इसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि फिर से इन्होंने मिलावट की है क्या। यदि मिलावट की जाएगी तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। MFTA लैब आई हुई है, चलित खाद्य प्रयोगशाला, तो उसमें मौके पर ही सैंपल से लेकर सैंपल की जांच की जाती है। उसी तारतम्य में किराना दुकान पर मिर्ची पाउडर मिला। उस मिर्ची पाउडर के बारे में पूछने पर कि कहाँ से आपने क्रय किया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि कपिल जैन एक विक्रय करते हैं, उनसे मैंने खरीदा है।
तो तत्पश्चात उनके यहाँ हम लोग कार्रवाई करने पहुँचे तो उनके यहाँ कलर वगैरह मिला मौके पर, तो वो कपिल जैन थोड़ा उन्होंने डिस्प्यूट किया कि मैं सैंपल नहीं दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे कई लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने विवाद फैलाया कि सैंपल नहीं होगा, लेकिन SDM साहब, तहसीलदार मैम, सभी लोग आ गए थे तो सैंपलिंग कार्रवाई नियम अनुसार की गई। मैम बताया भाजपा के कार्यकर्ता थे उसमें रुक रहे थे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं रुक रहा था। थोड़ा विवाद हो गया था उसी दुकान वाले से, तो विवाद के बाद उन्होंने कहा मैं सैंपल देने तैयार हूँ, तो सैंपल ले लिया। आपको एलिगेशन लगा था पैसे मांगने का? एलिगेशन लगते रहते हैं, जब कार्रवाई करेंगे तो ऐसा अभी कुछ तथ्य सामने आए तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत। जब आप जांच के लिए गई थी तो उसमें पुलिस हमला साथ क्यों नहीं गया? बोले क्या, क्योंकि मेरी कार्रवाई मैं रोज करती हूँ, मैं हमेशा रोज साथ में किस किस को लेके जाऊँगी। मेरे साथ MFTL में भोपाल से दो लोग आए हुए हैं, वो साथ में थे, और सरकारी ड्राइवर मेरे साथ था, हम चार लोग थे, चार लोग कार्रवाई करने गए थे। SDM साहब को पहले से सूचित कर चुकी थी कि MFTL लैब आई हुई है।